नमस्कार। आज की जो कहानी है वो हमें शिक्षा देती है कि कभी भी हमें अपने दुश्मनों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, नंबर पहला। और दूसरा, कहानी में ये रहता है कि यदि कभी भी आपको खुशी में या दुख में कभी भी किसी के साथ वादे नहीं करने चाहिए, या फिर अपने जो भेद हैं वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। यही हमारे कहानी का मोटिव है। तो शुरुआत करते हैं पहले कि एक जंगल है, नदी के किनारे एक पेड़ था और बहुत पुराना पेड़ था, बरगद का पेड़, जिस पर बहुत सारे बगुले रहते थे। और बगलों के, अब नदी के किनारे पेड़ है तो वहाँ पर नदी में कछुए रहते थे, तो अक्सर क्या होता था, बगुले थे वो कछुओं को खाते थे, और लंबे समय से यही प्रक्रिया चली आ रही थी। लेकिन उसी पेड़ की एक कोटरी में या छिद्र में एक सर्प रहता था, काला नाग रहता था, वो भी वहीं पर रह रहा है। तो काला नाग क्या कार्य करता था कि जैसे ही बगुलों के जो बच्चे थे वो बड़े होके अगर दूसरी टहनी पर रहना प्रारंभ कर देते थे, तो वो काला नाग क्या करता था, धीरे धीरे उन्हीं बच्चों को खा लेता था, और बगलों को पता नहीं चलता था कि हमारे जो आबादी है उसमें से कुछ बगले कम होते थे, तो वो समझते थे कि भाई ये बगले कोई ये पेड़ छोड़ के दूसरी के रहने चले गए होंगे। तो ये भी सिलसिला चल रहा था। तो वहां पर क्या है कि एक तो बगले कछुओं को खा रहे हैं और दूसरा सर्प बगलों को खा रहा है। तो ये सिस्टम कई लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन क्या है कि एक दूसरे को कष्ट दे रहे थे, लेकिन वहां पर कोई किसी के बारे में सोच नहीं रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही सर्प ने बगलों के बच्चों को खाया, और जो उनके जो माँ बाप थे बड़े वाले बगले, उन्होंने वो देख लिया, तो उन्हें बड़ा बुरा लगा कि बताइए हमारे जो बच्चों को ये सर्प खाता रहा इतने लंबे समय से, और हम लोग समझते रहे कि हमारे जो साथ के बगले हैं वो या बच्चे हैं वो दूसरी के चले गए हैं। तो बड़ा उन्हें दुख हुआ। तो बड़े दुखी मन से वो बगले बैठे थे, इतने में वहां से कछुआ निकला। तो कछुए ने कहा, भाई साहब क्या हुआ? तो बगलों ने अपनी व्यथा कछुओं को सुना दी। अब कछुए भी मन में सोचने लगे कि जब आप हमारे बच्चों को खाते हैं तो आपको कभी रहम नहीं आया, लेकिन जब आपके ही बच्चे खाए जाने लगे किसी सर्प के द्वारा तो आपको बड़ा दुख हो रहा है। तो उन्होंने पूछा, भाई साहब ये बताइए कि अब हम क्या करें, इस सर्प से बदला तो लेना है और इसको सबक सिखाना है। तो उन्होंने किससे, उसी दुश्मन से सहायता ली जिनको ये खा रहे थे। उसी दुश्मन से उन्होंने कहा, भाई साहब ये बताओ कैसे हम इस सर्प का काम तमाम करें, कैसे इस सर्प को नष्ट करें। तो कछुए ने भी सोचा कि यही मौका है बगलों को समाप्त करने का। तो जो शत्रु थे उन शत्रुओं ने फिर उसको आइडिया बताया कि भाई यहाँ से पेड़ से थोड़ी दूर जाएंगे, वहां पर तो एक नेवला रहता है, और वो अपने बिल में पड़ा रहता है, तो आप ऐसा करो कि मछलियां पकड़ पकड़ के उसके जो बिल है बिल के पास छोड़ देना, और एक एक करके मछलियों को जो बिल है बिल से सीधे सर्प के बिल तक ले आना, जिससे क्या होगा कि जो नेवला होगा वो मछलियों को खाते 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 सर्प के बिल तक पहुंच जाएगा, और वहां पर जब वो देखेगा कि सर्प है तो फिर सर्प और नेवले की लड़ाई होगी, तो वो नेवला सर्प को मार के खत्म कर देगा, तो आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, आपकी जो परेशानी है वो हल हो जाएगी। तो बगलों को समझ में आ गया कि हाँ भाई ये तो कह तो सही रहा है, लेकिन बगलों को ये पता नहीं था कि ये जो कछुआ है वो हमारा मित्र नहीं, ये तो हमारा शत्रु है। क्योंकि जिंदगी में दोस्त कौन है और दुश्मन क्या है, इनका पता कभी भी लोग पता नहीं कर सकते, कि क्योंकि लोग अब क्या है कि चप्पल टाइप के होते हैं, कि चल तो साथ में रहे हैं लेकिन पीछे से कीचड़ भी उछाल रहे हैं। तो वही सेम कंडीशन बगलों के साथ हो रही थी। तो जैसे ही नेवला मछलियों को खाते खाते सर्प के बिल के पास आया और उसने सर्प को देखा और नेवले ने सर्प को मार दिया। अब बगले खुश, लेकिन वो ये भूल गए कि सर्प को तो उन्होंने, सर्प के से तो आपने फ्री हो गए, लेकिन वहां पर उन्होंने एक नया शत्रु अपना उत्पन्न कर लिया, और वो था नेवला, क्योंकि नेवला भी बगलों को खाता है। तो जब सर्प के बिल के पास जब उसने देखा कि सर्प तो खत्म, तो नेवले को लगा कि यार उससे उस घर से बेटर तो ये घर है, और इसमें तो हजारों बगुले रह रहे हैं, तो हम तो यहाँ पर रहेंगे तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा कि हम लंबे समय तक यहाँ पर भोजन भी मिलता रहेगा, हम बगलों को खाते रहेंगे। तो ऐसे करते करते नेवले ने पूरे बगलों को समाप्त कर दिया, और मतलब कई सालों तक नेवला आराम से
पढ़ा रहा और उसको कहीं बाहर जाना नहीं पड़ा, और वहीं पर एक एक करके उसने सारे निर्णयों को खत्म कर दिया। तो ये था कछुआ, जो क्या था, उसको फ्री होना था, मुक्त होना था बगलों से, लेकिन उसने क्या किया, बगलों को सलाह तो दी, लेकिन सलाह कौन सी दी, गलत सलाह दी। तो कभी कभी हमारे लाइफ में कभी ऐसे भी आ जाते हैं लोग, अब जो ऐसे लगता है कि है तो हमारे हित ऐसी, लेकिन वो क्या करते हैं, पीछे से आपको अहित करने के लिए कभी कभी गलत राय या गलत डिसीजन आपके साथ कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमेशा मित्र उन्हीं को सिलेक्ट करें जो आपका भला सोचते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे दोस्त मिल गए जो 5 मिनट के लिए मिले और दोस्ती हो गई, लेकिन पता नहीं कि वो लंबे समय में आपके हानिकारक भी होते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सलाह वो सीख मिलती है कि कभी भी अपने शत्रुओं की राय पर कभी भी विश्वास नहीं करें। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करना और लाइक करना और दूसरों को शेयर करना, क्योंकि कहते हैं कि अच्छी बातों को शेयर करना चाहिए, लेकिन क्या है कि हम लोग की एक ह्यूमन टेंडेंसी बनी हुई है कि अच्छी बातों को तो दबा जाएंगे, लेकिन बुरी बातों को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। अगर कोई बुरा काम हो गया ना समाज में, तो लोग उसी को बहुत लंबे लोगों तो बड़ा अच्छी नमक मिर्च लगा के शेयर करेंगे, और अगर किसी ने कहा कि यार ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है या कुछ अच्छी चीज़ें बताता है, तो शायद उसको लोग अवॉइड करें या फिर उससे दूर भागना स्टार्ट कर दें। तो ये हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए कि हम दूसरों के साथ अच्छी बातों को शेयर करें। तो कोशिश करिएगा कि हमें भी हेल्प मिले और आपको भी अच्छा लगे। बाकी धन्यवाद।